15 जून को चीनी सैनिक और हिंदुस्तानी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब इस जंग पर एक्टर अजय देवगन ने फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है और इस बात की कंफर्मेशन ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर दी थी। लेकिन अब अजय के बारे में ये खबर सुनकर उनके फैंस जहां बेहद खुश थे, वहीं सोशल मीडिया के मीमर्स को चुटकी लेने का मौका मिल गया। कई यूजर्स अजय देवगन और अक्षय कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि देश के बड़े मुद्दों पर ज्यादातर अक्षय कुमार ही फिल्में बनाते हैं। सोशल मुद्दा हो या देशभक्ति, हर किसी मुद्दे पर अक्षय सबसे पहले फिल्म बनाने को तैयार रहते हैं। और साथ ही अक्षय ने भारत की सेना पर फिल्म बनाने में दिलचस्पी भी कई बार दिखाई है। लेकिन अब अजय के ऐलान करने के बाद लोग अक्षय कुमार पर जोक बना रहे हैं। देखिए लोगों के ट्वीट्स। When अक्षय कुमार gets to know about अजय देवगन doing a patriotic film, अजय देवगन after signing a movie on गलवान वैली, जा तू यहाँ से, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। अजय देवगन to be casted for the movie on गलवान वैली, ले अक्षय कुमार, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अक्षय एंड जॉन इब्राहिम टू अजय देवगन, दुकान जमा रहा था, आप लोग आके बेरोजगार कर दिए। अजय देवगन मेकिंग अ फिल्म ऑन गलवान वैली क्लैश, ले अक्षय कुमार, चीटिंग करता है तू। और वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्षय और अजय के बीच अच्छी दोस्ती है। दोनों साथ में डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में भी साथ नजर आने वाले हैं और फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है। वहीं अजय देवगन अपने सिंघम के किरदार में कैमियो कर रहे हैं और ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि अब अजय देवगन की गलवान वैली वॉर पर फिल्म बनाने के ऐलान पर आप लोगों की क्या राय है, शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।